हमें क्यों कुछ करना पड़ेगा, किया भी है और इंशाल्लाह करेंगे। आपने जो अतिया दिया है मेरे लिए बहुत बड़ा अतिया है। मुझे याद आ रहा है इस वक्त कि मैं आजमगढ़ के किसी गांव में दौरे पर था और वहां चंदा कर रहा था यूनिवर्सिटी के लिए। एक साहब सफेद पोश सफेद कपड़े पहने मेरे पास आए और उनकी मुट्ठी बंद थी। उन्होंने मुझसे कहा कि बस यही मेरे पास था और इस तरह उन्होंने बंद मुट्ठी मेरे हाथ में। मेरी तकरीबन 1.25 घंटे की तकरीर उसी सिक्के पर थी जो सिर्फ 50 पैसे का सिक्का था। मेरे लिए वो 50 पैसे का सिक्का 5 करोड़ से ज्यादा था, क्योंकि ये 50 पैसे उसके पास न जाने कहां से हासिल हुए थे और कितनी मेहनत से, और बच्चों की रोटी काटकर पेट काटकर उसने बच्चों को तालीम, आपके बच्चों को तालीम देने के लिए मैंने दिया था। नौजवानों, हम तकरीबन 3.25 करोड़ रुपया हर महीने की तनख्वाह निकालते हैं, 3.25 करोड़ कहां से लाते हैं ये आपके जानने की जरूरत नहीं। हजारों बच्चे और बच्चियां मुलाजमत में लगे हुए हैं, दरअसल दुश्मनों को ये बर्दाश्त नहीं है। वो चाहते हैं किसी तरह हम भूखे मर जाए, हम अपने पैरों पर न चले, हमारे घुटने छिल जाए, उसे खून निकलने लगे, तो तरस है हमारे पर नहीं, हमें किसी के रहम की कोई जरूरत नहीं है, कोई हम पर तरस न खाए। हमने जद्दोजहद करना सीख लिया है, अगर कोई तरस खाएगा तो सिर्फ आसमान वाला हम पर खाएगा, और मांगेंगे तो सिर्फ उससे। खाना नहीं खोला है ना, नाच घर खोला है। मैं खास तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं, जान रहे लोग ये लफ्ज कहां जाकर लग रहा है। जिस समाज में इस लफ्ज को मुहतरम मान लिया जाएगा, क्या तरक्की करेगा वो समाज और कैसे सर उठा के चलेगा। शरीफों की इज्जतें वो लोग उतारेंगे, लोग रास्ते बताएंगे, ऐसे लोग देवी देवता अपने आप को बनाएंगे। हमारे मरे हुए मां बाप 3 दिन तक टेलीविजन पर डिस्कस होंगे। देखा आपने एग्जाम क्या हुआ, कितनी दौलत खर्च हुई, कितनी ताकत लगाई गई। कहते थे आजम खान जीत गया तो जड़ से नाक निकल जाएगी, अरे नाक नहीं जाने क्या क्या निकल गई। यहां हमने खुद कहते सुना कि पूरी भारतीय जनता पार्टी हार जाती लेकिन आजम खान नहीं जीतता है, तो खुशी हम इतने बुरे हैं सिर्फ इसलिए कि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों के हाथ में से जहालत का टॉक लेकर उनके हाथ में कलम देना चाहते हैं। हम उन्हें कूड़ा करकट और कचरे का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है उससे हटाकर एक पाइसा जिंदगी देना चाहते हैं। जो लोग सिर्फ हमारे बच्चों से साइकिल के पंचर जोड़वाना चाहते हैं, मोटरसाइकिल से बनवाना चाहते हैं, अपनी कोठी बंगलियां बंगला बनवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो बच्चे भी कुर्सियों पर बैठे हों।